सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ के बाद हमारे पशुओं को कौन कौन सी नई समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं का, इन बीमारियों का हम क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सभी उन पंजाब के डेयरी फार्मर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने दूध का रेट बढ़ाने के लिए 24 अगस्त को लुधियाना में धरना लगाया था। दोस्तों, हमारी मांगे सरकार द्वारा पूरी की गई हैं और सभी उन फार्मर्स का धन्यवाद जिन्होंने इस धरने को सपोर्ट किया था और लुधियाना में जाकर के ज्वाइन किया था। तो हमारी मांग के अनुसार 35 रुपये किलो पर फैट के हिसाब से हमारे पंजाब में दूध का रेट बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाइयों, सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सभी फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा हार्ड एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, इसके कारण सबसे पहले जो समस्या हमारे पशुओं में आ रही है पशु ठीक होने के बाद, वो है बच्चा गिराने की। दोस्तों, हमारे फार्म पर तकरीबन 4 पशुओं ने बच्चे अबॉर्ट कर दिए थे। भाइयों, हमें इस बात का आभास पहले से था कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन देने के बाद हमारे पशु बच्चा गिरा देते हैं। दोस्तों, मेनली जब हमारा पशु बच्चा अबॉर्ट करता है तो दोस्तों उसके लिए हम ड्यूरोप्रोजन नाम का, जो कारगिल कंपनी का एक इंजेक्शन आता है ड्यूरोप्रोजन, उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पशुओं की स्थिति को देखते हुए जब लंपी से हमारे पशु रिकवर कर गए थे उसके बाद हमने ड्यूरोप्रोजन की एक एक डोज अपने पशुओं को दी थी। इसके बाद भी जो पशु लंपी स्किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके जख्म बहुत ज़्यादा थे, हील करने में, रिकवर करने में वो 1 महीने से ज़्यादा ले गए और इसके बाद रिकवर करने के बाद उन्होंने बच्चे अबॉर्ट कर दिए। दोस्तों, इसमें से 2 पशुओं के बच्चों की डेथ हो गई जिसमें एक बछड़ा और एक बछड़ी था और 2 काफ्स को हमने बचा लिया। दोस्तों, 2 गायें एक 5वें और एक 6वें महीने में ही ब्याह गई थी और 2 गायें अपने ब्याहने के 20 दिन पहले ब्याह गई थी। दोस्तों, जो पशु 20 दिन या 1 महीना पहले ब्याहता है उसके बच्चे को बचाया जा सकता है। इसके कम से अगर ज़्यादा इमच्योर बच्चा पैदा होता है तो उसे हम बचा नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपके फार्म पर भी आपको लगता है आपका जो पशु है वो बार बार सफ़ेद रंग के बड़े और मोटे जाड़े दे रहा है तो उसको आप ड्यूरोप्रोजन की एक डोज दे करके उसका 1 महीना नज़दीक ला सकते हैं या इसके अलावा आप अपने नज़दीकी प्रोफेशनल डॉक्टर से भी अपने पशु का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपने यह ध्यान में रखनी होती है कि जब हमारा पशु बच्चा गिराना शुरू कर देता है तो उस वक्त अगर हम अपने पशु को कोई भी बच्चा रोकने का इंजेक्शन दे देते हैं तो वो बच्चे और बच्चे की माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो एक बार अपने पशु को अच्छे तरीके से जांच लें या किसी अच्छे प्रोफेशनल नॉलेज वाले डॉक्टर को जरूर दिखा दें। दोस्तों, इसमें दूसरी समस्या क्या आ रही है कि जो पशु पूरे समय पर या समय से पहले ब्याह रहे हैं उनकी जेयर नहीं गिर रही है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा हार्ड एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद हमारे पशुओं की इम्यूनिटी, एनर्जी, वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। दोस्तों, इन सब कारणों के चलते हमारे पशुओं का इनटेक भी काफ़ी कम हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि जो पशु अभी ब्याह रहे हैं वो अपनी जेयर नहीं गिरा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर से अपने पशु की जेयर हाथ से निकलवा सकते हैं। उस पशु का टेम्परेचर आपने रेगुलरी बेसिस पर 3-4 दिनों तक चेक करते रहना है। दोस्तों, इसके अलावा जेयर निकलवाने के बाद आप उस पशु के अंदर नाइट्रोजन के टैबलेट्स रखवा सकते हैं और यूट्रोटोन का इस्तेमाल कुछ दिनों तक लगातार कर सकते हैं। दोस्तों, जेयर गिराना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर तीसरी जो समस्या देखी जा रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है। दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ से जो पशु रिकवर हुए हैं वो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है। दोस्तों, जो पशु लंपी से अफेक्टेड थे वो तकरीबन 100% उनके चांस हो गए हैं कि वो कंसीव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इनके भी काफ़ी ज़्यादा कारण हैं क्योंकि दोस्तों इतनी मेडिसिन उन पर इस्तेमाल की गई है, इनटेक उनका इतना कम है, बॉडी वेट उनका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इन सब कारणों के चलते हमारे पशु कंसीव नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब तीनों के तीनों समस्याओं का हम समाधान ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमारी पिछली वीडियो में भी बात हुई थी कि आपने अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर और बाईपास फैट की डोज बढ़ा देनी है। दोस्तों, जो पशुपालक भाई हरा चारा इस्तेमाल करते हैं
मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने पशुओं को बढ़िया से हील करना चाहते हैं या इन तीन समस्याओं से बचाना चाहते हैं तो आप साइलेज का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा आपने अपने पशु के डाइट पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दोस्तों, फीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे पशु जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। जो पशु अभी प्रेग्नेंट हैं वो आपको दूध दे सकें, दूध तैयार कर सकें, और आपको भी उससे फ़ायदा है और आपके पशु को भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने पशुओं का, जो प्रेग्नेंट पशु हैं, उनका ड्राई और ट्रांजेक्शन पीरियड अच्छे तरीके से मेंटेन करें। अगर आपका पशु मिल्किंग है और आप उसे दूध छोड़ना चाहते हैं तो समय से पहले ही उसे दूध छोड़ दें ताकि वो अच्छे तरीके से रिकवर कर सके और आने वाले ब्यांत के लिए वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके, आपको बढ़िया प्रोडक्शन अगली बार दे सके। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।